रूपा जी, कल को हमने देखा कि कृषि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन कृषि फसलों के लिए वायदा बाजार के लिए काफी बड़ा दिन रहा था, काफी झटका वाला दिन रहा था। सेबी ने काफी कम्युनिटीज पर बैन लगा दिया है, उनमें से रिफाइंड सोया तेल भी एक है। गेहूं, चावल, काफी सारी कम्युनिटीज पर सेबी ने बैन लगा दिया, वो भी पूरे एक साल के लिए। हमने कम्युनिटी बाजार को डूबते हुए भी देखा, आज देख रहे हैं वही रुख आज भी कायम है। और ये भी खबरें हैं कि खाद्य तेल पर यानी कि जैसे पामोलिन हुआ, आरबीडी हुआ, इनकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 12.5% कर दी गई है घटाकर। आपको क्या लगता है, खाद्य तेलों में अभी गिरावट बनी रहेगी या फिर यहाँ से कुछ तेजी भी बनेगी? रहा और सभी खाद्य तेल कल की खबर के बाद से लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे वो कैस्टर्ड हो या फिर सोयाबीन हो, रिफाइंड हो, सब में गिरावट बनते हुए दिखाई दी और ऊपरी स्तरों से बाजार फिसले हैं। लेकिन आज हल्की रिकवरी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल जरूर दिखा रहा है, लेकिन सोयाबीन में आज भी 1% से ज्यादा की गिरावट है। अभी बाजार जो है देखिए धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके की सरकार के फैसले के बाद जो ट्रेडर्स का जो आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट जो है वायदा बाजारों से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी हमने सोयाबीन के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा था, 6500 के आसपास जो सोयाबीन कारोबार कर रही थी आज वो 6000 के नीचे है। यानी अब यहाँ से सेंटीमेंट वीक हो गया है और 5800-5600 तक के भी लेवल हो सकता है सोयाबीन अब जनवरी वायदा में दिखाती हुई नजर आए। क्योंकि अभी जब जिस तरीके से सरकार ने एक साल के लिए कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स पे रोक लगा दिया और फिलहाल कोई नई एंट्री जो है वो ट्रेड भी नहीं हो पाएगा, जिनके पहले के सौदे खड़े हैं सिर्फ उन्हीं को ही स्केयर ऑफ करने की जो है अनुमति दी गई है। तो इसका इम्पैक्ट यही है कि मार्केट अभी फिलहाल डाउनसाइड है और अभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर ओवरऑल जो है ट्रेंड वो नेगेटिव बन चुका है और यहाँ से फिलहाल बाजार लुढ़कते हुए दिखाई देंगे। अभी कोई सस्टेनेबिलिटी भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, उधर से ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी फिलहाल एक बार फिर से नेगेटिव सेंटिमेंट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अगर जनवरी वायदा में सोयाबीन की स्पेशली बात करें तो सोयाबीन 5800 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो वो भी 1120 से लेकर 1160 की मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है। तो कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तेजी का मूवमेंट नहीं है, अभी सभी कमोडिटीज के अंदर ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, स्पेशली एडिबल ऑयल पैक के अंदर। जी रूपा जी, जैसा आपने अभी बताया कि सोयाबीन में भी नेगेटिव ट्रेंड बनता नजर आ सकता है और वो हम देख भी रहे हैं कि 6000 के ऊपर जो सोयाबीन ट्रेड करती नजर आई थी अब वो 5900 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब यहां से फिर से जो चाबी है वो हाजिर बाजारों में देखने को मिलेगी या फिर किसानों के फिर से तेजी बना सकते हैं? अगर किसान यहाँ से अपनी सोयाबीन एक बार फिर से होल्ड करनी शुरू कर देते हैं तो क्या लगता है, क्या यहाँ से तेजी बनती नजर आ पाएगी फिर से? देखिए अब तेजी बनेगी ये अभी आगे कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी ट्रेंड तो नेगेटिव हो चुका है। अगर फार्मर्स रोक भी लेते हैं माल को और मार्केट में माल नहीं आता तो फिर इंपोर्ट को लेकर हो सकता है कि कुछ अपडेट निकल कर आ जाए और फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी फिलहाल जो सेंटिमेंट है वो वीक हो चुका है और अभी फिलहाल सोयाबीन के अंदर जो डाउन साइड है वो 5800 तक दिखाई दे रहा है। एक बार बाजार 5800 तक लुढ़केंगे और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी अगर आएगी तो मे बी 6000 तक ऊपर पकड़ ले मार्केट। लेकिन अभी जो ट्रेंड है अभी मुझे लगता है ये वाला वीक तो फिलहाल प्रेशर वाला ले सकता है, जिसके चलते 5800 से 5600 का स्तर आप मान के चलिए कि एक बार देखने को मिल सकता है। जी ये सर जी, बात करें अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल देख रहे हैं कि आज 2800 के ऊपर सस्टेन होके चल रहा है, हमने 2900 के भी लेवल स्ट्रेच होते हुए देख चुके हैं बिनौला खल के अंदर। रूपा जी खबरें हैं और ये जो खबरें निकल के आई है, जो आंकड़े दिए गए हैं ये सी के द्वारा दिए गए हैं कि साल के अंत होते होते खल का जो एक्सपोर्ट है, भारतीय खल का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो लगभग 50-51% डाउन बताया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, एक्सपोर्ट का कम होना और इंडस्ट्री की थोड़ी डिमांड निकल के सामने आना, ये बिनौला खल के लिए पॉजिटिव ट्रेंड लेकर आएगा या नेगेटिव? देखिए छुटमुट करेक्शन आ सकती है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। आप देखिए कॉटन के अंदर अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और अभी भी बाजार अपसाइड में है और एक्सपोर्ट फिसलते हैं तो थोड़ा बहुत देखिए इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी खासी फिलहाल निकलती हुई दिखाई दे रही है तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। अगर बिनौला कल गिरता भी है तो वही लेवल है 2600 नीचे में जो पहले भी हाल फिलहाल में हमने देखे थे, वहां से सस्टेनेबिलिटी आई और मार्केट अब 2800-2850 के आसपास है। मुझे लगता है कि पहले 3000 का स्तर टच हो सकता है, उसके बाद जो है फिर से करेक्शन अगर बनती है तो वो 2600 तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल तेजी की तरफ है मार्केट अभी मुझे लगता है, बल्कि बिनौला खल ही एक ऐसी कमोडिटी है जो अपसाइड
अपसाइड में जाती हुई दिखाई दे सकती है, जिस तरीके से बाकी सारी कमोडिटीज में गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। बिनोला खल एक बार पॉजिटिव हो सकता है। बिनोला खल के साथ साथ आप देखिए हल्दी के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। हल्दी में भी कल के कंपैरिजन में पिछले जैसे ही एक्सपायरी हुई वायदा के अंदर उसमें भी तेजी बनी, लेकिन आज गिरावट है। ओवरऑल ट्रेंड उसका भी पॉजिटिव है और बिनोला खल भी फिलहाल तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि इसमें 3000 का स्तर जल्द ही देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, बात करें कपास की, तो कपास में अब खबरें हैं कि ये जो अगला सीजन होगा कपास का, इसके बाद आने वाला, वो थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है कॉटन के लिए। जो प्रोडक्शन है उसमें ठीक ठाक रह सकती है, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो कॉटन की जो कीमतें उन पर थोड़ा कुछ कहीं ना कहीं नरमी वाला प्रभाव भी पड़ता नजर आ पाएगा। आपको क्या लगता है ऐसे में जो करंट वायदा है कॉटन का, उसमें अभी कितनी उठापटक देखने को मिल सकती है? देखिए जो कॉटन है, कॉटन में अभी फिलहाल तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लेवल की अगर बात करें तो देखिए वायदा के अंदर अभी जो कॉटन हम 31,000-32,000 के बेहद करीब देख रहे हैं, मुझे लगता है जल्द ही 32,000 के ऊपर जा सकता है। दिसंबर वायदा और जबकि जनवरी वायदा ऑलरेडी 32,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज भी अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 200 अंकों की तेजी के साथ आज बाजार खुलता हुआ दिखाई दिया, 31,720 पर है। तो मुझे लगता है कि इसमें आज इंट्राडे में भी 32,000 का लेवल हो सकता है कि आपको टच होता हुआ दिखाई दे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, बिनोला खल और कॉटन दोनों के अंदर ही तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये जरूर जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों हम देख रहे हैं कि कुछ तेजी बनती नजर आई है। धनिया जनवरी वायदा 8,700 के ऊपर सस्टेन है आज भी और 8,858 पर ट्रेड कर रहा था, फीसदी की तेजी है। जीरे का जनवरी वायदा देख रहे हैं कि 16,400 के ऊपर निकल चुका है, 16,500 के बेहद करीब है। और हल्दी भी देख रहे हैं कि 9,300 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या मसालों में ये वाला कारोबारी सप्ताह तेजी भरा रह सकता है? देखिए मसालों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है बिल्कुल, और अखिलेश मुझे लगता है कि धनिया जो है वो 9,000 के आसपास जा सकता है, जीरा जैसे 16,400 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी दिनों से अब 16,000 के ऊपर देख रहे हैं, तो इसमें भी अब 16,600 से 16,800 का स्तर फिलहाल जनवरी में देखने को मिल सकता है। अब जीरा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अब यहां से टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग जो है लेवल होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब जीरे में तेजी बन सकती है यहां से। और दूसरा हल्दी की बात करें तो हल्दी भी अपसाइड में है, आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत करेक्शन है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, हल्दी 9,500 तक के टारगेट छूती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे आज एग्री कम्युनिटीज में, जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अखिलेश आज इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि धनिया में बाइंग किया जा सकता है, धनिया और पॉजिटिव जा सकता है। धनिया के साथ साथ आज हल्दी में भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज मसालों में बैट लगाया जा सकता है, आज मसाले आगे चलकर तेजी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह की कार्रवाई साथ में कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुलती नजर आई है, उस पर रूपा जी की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।